अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, संभालो अपनी बहन को। उसके प्यार में ये मत भूलो कि तुम भी इस घर की बहू हो। गोहिल परिवार की इज्जत बरकरार रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अब एक काम करो, इसे लेकर जाओ और 10 मिनट में तैयार करके नीचे ले आओ। जाओ। जी जी मम्मी जी। रूही, हर चीज में सवाल नहीं उठाया जाता, कुछ चीजें बस कर लेनी चाहिए। चल मैं तुझे तैयार करके लेके आती हूँ। जी वो क्या है ना, अभी बचपना है उसका, रस्मों रिवाजों को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप लोग खाइए ना, बस अभी तैयार होके आ ही रही है। जूही, तूने क्या किया नीचे? और तूने मम्मी जी की दीवी साड़ी क्यों नहीं पहनी? अरे पहनी थी, तेरी मम्मी जी की दीवी वो त्रेता युग वाली 100 किलो की साड़ी पहनी थी मैंने, पर ना ही उसका ब्लाउज फिट आ रहा था ना ही साड़ी अच्छे से बन रही थी, फिर भी जैसे तैसे पहन ली थी मैंने रूही, लेकिन आते वक्त उसका पल्लू फट गया था। ये देख जूही, अगर तुझे दिक्कत हो रही थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा मैं मैनेज कर लूंगी, पर मुझे संभल ही नहीं रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। बस जूही, मुझे अब तेरे कोई नखरे नहीं सुनने। जूही ये रीति रिवाज है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। और अभी तो चुपचाप जाओ और ये साड़ी बदल करा और इस टूटे हुए पल्ले के पीस बना देगी। हर किसी को बस मुझ पर ही जोर चलाना है। ला। जूही, तू शादी से भागी क्यों थी? जूही, उन्हें खुद इस शादी के लिए हाँ कहा था ना, और मैंने तुझसे पूछा भी था, और तूने कहा था कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है, तो फिर तू बारात को ऐसे दरवाजे पर छोड़कर कैसे भाग गई? वो एक्चुअली वो नीचे सब जूही का इंतजार कर रहे हैं। समर भैया, बस 2 मिनट में। ओके। जूही तो टेंशन मत ले, ये रस्में और रिवाजें बस शुरुआत के दिनों में होते हैं, और तू इनसे चिढ़ने के बजाय इनको एंजॉय करना और खुश रहे, समझी? टेंशन मत ले। एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए, इसमें सब मसाले मैंने डाले हुए हैं बेटा जी, सिर्फ आपको कलछी चलानी और धीरे धीरे कलछी चलाए, कुछ काम नहीं करना है, है? मैं आटा आटा खोल देती हूँ। आपको आदत नहीं है ना बेटा जी, आइए कर लेंगे आप पक्का? हाँ बेटा जी, मुझे तो आदत है, मतलब कर लो। अभी देनी होगी? ओके ओके, मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन भेजती हूँ। क्या? ओके दादी जी, वो थी ना एक अर्जेंट कॉल आ गई, मुझे वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है, खैर ये डील पक्की हो गई ना तो समझिए पैसा ही पैसा, हम ना बहुत माला माल हो जाएंगे।
सच्ची पूछी? लेकिन आप इतना ढेर सारा काम अकेले कैसे करेंगी? हेल्प कराना भी तो जरूरी है ना। अरे नहीं नहीं, नहीं 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 बेटा जी, एक काम करिए, आप जाइए, आप जाके वो प्रेजेंटेशन दीजिए, उस काम ज्यादा जरूरी ना, बिजनेस जरूरी है। इतना सारा काम आप कर लेंगी? अरे बेटा, मैं तो जिंदगी भर से करती आ रही हूँ, मेरा क्या है, आज और कर लूंगी। आप जाइए ना। कहाँ? अरे बेटा जाइए, आप जाइए, अच्छे से दीजिएगा वो प्रेजेंटेशन आप। दीजिए, बहुत स्वीट है, थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। शाबाश। दस बज रहे हैं, 10 बजे चाय बिस्कुट खिलाओगी तो नाश्ता कब कराओगी हमें? तुम मैं घर की बहू हो, अब जाओ जाकर नाश्ता लेकर आओ। अरे कच्चा पक्का जैसा बना है वैसा लेकर के आओ। ये क्या है दादी जी? दोपहर को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है लंच के लिए, किसी का मेनू? ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं होगा, ये सब कुछ तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने हाथों से। पला जी दादी जी, चावल के अंदर कड़छी नहीं डाली? कड़छी दादी जी, चम्मच नहीं है थाली में। पला जी दादी जी, चम्मच नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। सुमित्रा जी, बहुत इंतजार कर लिया, अब हमें घर में और भी काम है तो हम चलते हैं। आ गए जूही, आ गए। लो आ गई, बैठो बैठो बैठो। सुई धागे से जल्दी जल्दी में जूही की साड़ी तो सिल दी। खाटू जी, अब कोई गड़बड़ ना हो। एक बात माननी पड़ेगी सुमित्रा, पहली बहू तुमने भले ही अंधेरे में से चुन के लाई हो, लेकिन दूसरी बहू एकदम हीरे जैसी तराश के लाई है।